Hello students, how are you? We are discussing about the human brain. Human brain हमारे animal physiology में काफी hard माना जाता है. कई बार आप NCERT की बुक में से इस टॉपिक को पढ़ेंगे पर आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा. तो हमारा ये कोशिश है इस चैप्टर को जितना हो सके इजी वे में आपको हम एक्सप्लेन कर सकें. तो ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि ब्रेन को हम बेसिकली इनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं. अभी तक हमने ये देखा था, हमने ब्रेन को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया था. कौन कौन से तीन पार्ट में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स? पहला था फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोसेंसेफेलॉन. इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो है प्रोसेंसेफेलॉन. दूसरा होता है मिड ब्रेन. मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेंसेफेलॉन. और ब्रेन का तीसरा जो पोर्शन होता है ये होता है हिंड ब्रेन. और हिंड ब्रेन को हम जानते हैं थ्रोम्बेंसेफेलॉन के नाम से. तो जनरल लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इस तरह से तीन पार्ट में हमने पूरे के पूरे ब्रेन को डिवाइड किया. हम बात कर रहे थे फोर ब्रेन के बारे में. तो फोर ब्रेन में बेसिकली दो स्ट्रक्चर आते हैं. ह्यूमन ब्रेन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं. कौन कौन से दो स्ट्रक्चर आते हैं? सेरिब्रम, और इसमें दूसरा आता है डाइसेफेलॉन. एनिमल की फिजियोलॉजी में तीन पार्ट है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में दो पार्ट में फोर ब्रेन को डिवाइड किया गया है. तो फोर ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से दो पार्ट है? एक तो है हमारा सेरिब्रम और दूसरा कौन सा है? डाइसेफेलॉन. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको. अब हम बात करें किसके बारे में? मिड ब्रेन के बारे में. तो मिड ब्रेन जो होता है इसमें दो स्ट्रक्चर आते हैं. कौन कौन से? एक तो आता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा आता है क्रूरा सेरिब्री. मिड ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. मिड ब्रेन ह्यूमन में बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है तो मिड ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन सा? एक तो होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा होता है क्रूरा सेरिब्री.
तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और क्रूरा सेरिब्री इस तरह से मिड ब्रेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। तो हिंड ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा, पॉन्स, उसके बाद सेरिबेलम और मेडुला। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ब्रेन का डिवीजन है। ब्रेन के डिवीजन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो याद रखिए कि पूरे के पूरे जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में एक छोटा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम न्यूरल ट्यूब के नाम से जानते हैं, और इस न्यूरल ट्यूब से हमारे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेन हमारा जो होता है इसके ऊपर जो है बोनी कवरिंग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम इज अ पार्ट ऑफ द स्कल, और क्रेनियम के अंदर की कैविटी क्रेनियल कैविटी जिसमें कि हमारा ब्रेन रखा हुआ है। हमने आपको ये बताया कि ब्रेन और क्रेनियल, हमारे क्रेनियम के बीच में तीन कवरिंग होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए, जिन्हें हम मेनिंजेस के नाम से जानते हैं। तीन मेनिंजेस पढ़े थे हमने, कौन कौन से, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पायमेटर। इस तरह से हमने तीन मेनिंजेस के बारे में डिस्कशन किया था। हमने आपको यही बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उस फ्लूइड को हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने फोर ब्रेन का डिस्कशन करना चालू किया था। फोर ब्रेन में हमने बताया था कि बेसिकली तीन स्ट्रक्चर आते हैं, कौन कौन से, ऑल्फैक्ट्री लोब, सेरिब्रम और डाइनसेफेलोन। पर ह्यूमन में ऑल्फैक्ट्री लोब बहुत कम डेवलप होते हैं। ऑल्फैक्ट्री लोब कैसे होते हैं ह्यूमन में वो मैंने डिस्कस किया था। मैंने ही बताया था कि ऑल्फैक्ट्री लोब हमारे सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड होते हैं। देखिए ह्यूमन किसी भी एनिमल में ऑल्फैक्ट्री लोब जितने ज्यादा डेवलप होंगे उतना उस एनिमल का परसेप्शन ऑफ सेंस ज्यादा डेवलप होगा। जैसे मान लीजिए स्केलेडॉन, उसमें ऑल्फैक्ट्री लोब बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं, उसकी स्मेल पावर अच्छी होती है। डॉग जिसमें कि हमारे ऑल्फैक्ट्री लोब बहुत अच्छे डेवलप होते हैं तो उसका जो स्मेल पावर होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये क्लियर हो गया। फिर हमने बात किया था सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम के बारे में जब डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि सेरिब्रम जो होता है वो हमारे पूरे के पूरे मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन के काफी बड़े हिस्से को कवर किए हुए रहता है। मतलब क्या हुआ, देखिए जरा डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये हमारा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में आप देखेंगे ये क्या है, ये वाला पोर्शन है पॉन्स, ये क्या है सेरिबेलम, और ये वाला पोर्शन क्या है इसे हम बोलेंगे मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। इस चीज को जरा ध्यान से समझिए हैं। तो ये हमारा क्या है पॉन्स, मैं लेबलिंग कर देता हूं, ये क्या है सेरिबेलम और ये है मैडम। ठीक है, और इसके ऊपर आपको छोटा सा मिड ब्रेन दिखाई देगा। ह्यूमन में मिड ब्रेन कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता है, तो ये मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है। तो ग्रीन कलर इमेजेस में कम दिखाई देता है, तो
फिर भी मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आपको ये ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? ये है हमारा मिड ब्रेन, और इस मिड ब्रेन के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर और दिखाई देगा, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ये हो गया हमारा फोर ब्रेन का पोर्शन डायन्सेफेलॉन। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? डायन्सेफेलॉन, ठीक है। और इन सभी स्ट्रक्चर के ऊपर ऊपर से ओवरलैप किया हुआ आपको क्या दिखाई देगा? सेरिब्रम दिखाई देगा। तो आप देखिएगे कि डायन्सेफेलॉन के ऊपर एक मसल्स का बैंड दिखाई देगा, माइलिनेटेड फाइबर्स का बना हुआ एक बैंड दिखाई देगा। ये माइलिनेटेड फाइबर का बना हुआ बैंड को क्या बोलते हैं हम? कॉर्पस कोलोसम के नाम से जानते हैं। और कॉर्पस कोलोसम जो होता है यह केवल मैमल्स में ही देखने को मिलता है, और कहीं पर यह स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस कोलोसम के नाम से जानते हैं। CORPUS कॉर्पस CALLOSUM कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। और इस कॉर्पस कैलोसम के ऊपर आपको क्या दिखाई देंगे? आपको कुछ इस तरह के सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखाई देंगे जो ओवर डेवलप है। ये यहां से इतना इतना पोर्शन इन्होंने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे आपको, ये ऊपर से दिख रहे हैं। इसमें जो इलिवेटेड पोर्शन है, ऊपर उठे हुए पोर्शन है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? जायराइड। और जो डिप्रेस पोर्शन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? सल्काई। यहां पर जो इलिवेटेड पोर्शन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? जायराइड। और जो डिप्रेस पोर्शन है उन्हें हम क्या बोलेंगे? सल्काई। यहां पर कुछ सल्काई बहुत ही गहरे हैं, तो वो कुछ ऐसे आ गए। यहां पर एक सल्काई कुछ ऐसे हो गया, एक सल्काई कुछ ऐसे हो गया यहां पे। तो आप देखिए इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो ये ब्रेन का ये सेरिब्रम वाला पोर्शन है, इसने क्या किया है कि देखो पूरा मिड ब्रेन को कवर कर लिया है, हिंड ब्रेन का कुछ पोर्शन भी कवर कर लिया है इसने। तो डायग्राम हम जो एनसीईआरटी में देखते हैं उससे हमको ये समझ में नहीं आता है कि कोई फोर ब्रेन हमारा कौन सा है, मिड ब्रेन कौन सा है और हाइंड ब्रेन कौन सा है। तो यदि आपने ग्रेजुअली इस डायग्राम को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये है हमारा सेरिब्रम जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है, ठीक है। सेरिब्रम का आउटर पोर्शन को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और सेरिब्रम के जो इनर पोर्शन को किस नाम से जानते हैं हम? सेरिब्रल मेडुला के नाम से जानते हैं। तो सेरिब्रम इतना डेवलप है कि इसे हमने दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, एक तो इधर का हेमिस्फीयर और दूसरा इधर का, मतलब राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। किस तरह से देखो, यदि आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप यदि इसे ऊपर से देखते हैं ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। मतलब दो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, कौन कौन सा? एक तो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक ट्रांसवर्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर के कमीशन से जुड़े हुए रहते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं?
कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा है ये हो गया हमारा सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम हो गया, क्लियर समझ में आ गया आपको ये सेरिब्रम क्या होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं सेरिब्रम में। ठीक है, इसमें कुछ एनाटॉमिकल और इसकी स्पेशल फीचर्स हैं जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये तो क्लियर हो गया सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या होता है। तो देखिए ये सेरिब्रम है। अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूं। सपोर्टेड ये हमारा क्या है सेरिब्रम। सेरिब्रम में कुछ ऐसे बहुत ही मेजर और डीप सर्कल्स होते हैं जो कि इसको सेरिब्रम को कुछ लॉब्स में डिवाइड करते हैं। तो फाइनली आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक था क्या मीडियन फिशर। फ्रंट से देखेंगे तो सामने यहां पे दिखाई देगा मीडियन फिशर। इसने क्या किया सेरिब्रम को दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। मीडियन फिशर है कौन कौन सा, एक तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इट बिकम क्लियर। अब हमारा सेरिब्रम में कुछ लॉब्स हैं, लॉब्स को उनके ऊपर के बोन के नाम से जानते हैं। जैसे स्कल का ये बोन कौन सा है फ्रंटल, तो यहां पर जो लॉब होगा इसे हम क्या बोलेंगे फ्रंटल लोब के नाम से जानेंगे। तो देखो ये वाला लोब कौन सा हो गया हमारा फ्रंटल। बोन के नाम आपको याद है तो दोबारा से लिखने में कोई मतलब नहीं है, ये फ्रंटल लोब हो गया। ये वाला यहाँ पे कौन कौन से होते हैं पैराइटल, तो ये वाला कौन सा लोब हो गया हमारे सेरिब्रम का पैराइटल लोब। ये वाला लोब कौन सा हो गया ऑसिपिटल लोब, और ये वाला लोब कौन सा हो गया टेम्पोरल लोब। एक लोब और होता है पर उसे हम एमबीबीएस में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम ये मान के चलेंगे कि लोब का नंबर चार होता है। कौन कौन से लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। अब ये लोब का नाम उनके ऊपर की बोन्स के नाम के बेस पर रखा गया है। अब इनका डिवाइडेशन कैसे हो रहा है, यहां पर इनका जो डिवाइडेशन है वो स्टूडेंट्स एक डीप फिशर के थ्रू हो रहा है। जिसे आप देखेंगे कि यहां पर आप पैराइटल फ्रंटल लोब पैराइटल लोब के बीच में आपको एक फिशर दिखाई देगा, और इस फिशर को हम बोलेंगे, देखो ये फिशर दिख रहा है यहां पर पैराइटल और फ्रंटल लोब के बीच में, तो इस फिशर को किस नाम से जानेंगे हम, इस फिशर को हम बोलेंगे सेंट्रल सर्कस। क्या बोलेंगे इसको हम, सेंट्रल सर्कस के नाम से जानेंगे। उसी तरह से यहां पर देखिए पैराइटल और ऑसिपिटल लोब है, इनके बीच का जो सर्कस इसे हम बोलते हैं पैराइटल ऑसिपिटल सर्कस। ठीक है, पैराइटल ऑसिपिटल सर्कस। उसी तरह टेम्पोरल और फ्रंटल के बीच में जो सर्कस है इसे हम बोलते हैं लैटरल सर्कस। कौन सा सर्कस बोला इसको, लैटरल सर्कस के नाम से जाना। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो सर्कस दिख रहे हैं ये सर्कस हमारे ईच एंड एवरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर को चार लोब में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब इधर का भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर चार लोब में डिवाइडेड है। कौन कौन से चार लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। इधर का भी जो है चार लोब में डिवाइडेड है,
फ्रंटल लोब, दूसरा यहां पर होगा पैराइटल लोब, इधर टेम्पोरल लोब और इधर ऑसिपेटल लोब, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोब डिवाइडेड होते हैं, क्लियर। अब हम इन लोब्स के फंक्शनल एरिया के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इनके फंक्शनल एरिया कौन कौन से हैं। बहुत ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फंक्शनल एरिया ऑफ फ्रंटल लोब। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट फंक्शनल एरिया ऑफ फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के फंक्शनल एरिया के बारे में बात करें तो देखिए यहां कौन कौन से एरिया देखने को मिलते हैं। यहां जो पहला एरिया देखने को मिलता है इसे हम बोलते हैं ये हमारा फ्रंटल लोब है। तो इस फ्रंटल लोब पे अलग अलग एरिया प्रेजेंट है, अलग अलग फंक्शनल एरिया प्रेजेंट है, तो उनके बारे में स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया प्रीमोटर एरिया। प्रीमोटर एरिया दिस एरिया एसोसिएटेड विद द दिस सेंटर ऑफ एएनएस। हमारी बॉडी की जो भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है उनका जो हाईएस्ट सेंटर होता है वो कौन सा होता है? प्रीमोटर एरिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फ्रंटल लोब में एक एरिया और देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं मोटर एरिया। तो देखो हमारा ब्रेन बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। अब जैसे मान लो सपोर्ट है भाई हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सेंटर कहाँ है? हमारी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में पूरे कंट्री को कंट्रोल किया हुआ है उसने, ठीक है। तो पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाई देंगे ना वहां पर। एक वहां पर आपको एक जो है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर दिखाई देगा, इंडिया का है, उसे कंट्रोल करता है, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। उसी तरह से आपको और भी अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाई देंगे। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो यहां पर भी छोटे छोटे फंक्शनल एरिया है सेरिब्रम में जो कि बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी से कंसर्न है। जैसे कि फ्रंटल लोब में कौन सा एरिया देखा आपने? प्रीमोटर एरिया देखा, जो कि इनवॉलेंट्री बॉडी में जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही है, तो उन सभी इनवॉलेंट्री मूवमेंट का जो सुप्रीम सेंटर है वो हो गया हमारा प्रीमोटर एरिया। दूसरा एरिया है हमारा मोटर एरिया। मोटर एरिया जो है हमारी बॉडी में जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी हो रही है उन सभी वॉलेंट्री एक्टिविटी का जो सुप्रीम सेंटर है वो कौन सा हो गया हमारा? जनरल मोटर एरिया या फिर मोटर एरिया, ठीक है। फिर सेंटर ऑफ ऑल वॉलेंट्री एक्टिविटी, तो ये कौन सा हो गया हमारा? मोटर एरिया हो गया। फ्रंटल जोन में और कौन से एरिया होते हैं? एक एरिया और होता है जिसे हम बोलते हैं मोटर स्पीच एरिया, जिसे कि हम ब्रोकास एरिया के नाम से। ये भी हमारे फ्रंटल लोब में होगा। कौन सा? मोटर स्पीच एरिया, ये ऐसे हम बोलते हैं ब्रोकास
अभी मोटर स्पीच एरिया या वोकास, ये हमारा वोकास एरिया क्या है? BROCAS, ब्रोकास एरिया क्या है? तो मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकास एरिया जो होता है, देखो मोटर नर्व जो CNS से जो ईफ्रंट ऑर्गन में इंफॉर्मेशन भेजती है वो कौन सी है? मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स ये स्पीच मोटर एरिया, मतलब जो हम बोलेंगे उसके लिए ब्रेन से जो कमांड जा रही है, जिन न्यूरॉन्स के थ्रू कमांड जा रही है, वो कौन सा हो गया? मोटर ब्रोकास एरिया, सॉरी मोटर स्पीच एरिया। कैसे काम करेगा ये? जो भी कुछ आपको बोलना है, जो भी एक्सप्रेशन देना है, तो वो बिना माउथ एपरेटस के मूवमेंट के तो साउंड प्रोड्यूस होगा नहीं। साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है? आपको बर्ड प्रोनाउंस करना है। बर्ड कैसे प्रोनाउंस होंगे? माउथ एपरेटस के मूवमेंट से, टंग के, लिप्स की मूवमेंट से होंगे, ठीक है ना। तो इन सब एक्टिविटी के ऊपर जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा है? हमारा ब्रोकास एरिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एक एरिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारा एसोसिएशन एरिया। तो फ्रंटल लोब में कौन कौन से एरिया देख लिए आपने? प्री मोटर एरिया देख लिया, मोटर एरिया देख लिया, मोटर स्पीच एरिया देख लिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे फ्रंटल लोब में एक एरिया और है, वो कौन सा है? एसोसिएशन एरिया। देखो एसोसिएशन एरिया जो होता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। ये करेगा क्या? तो स्टूडेंट ये जो होता है, ये देखिए किस किस से रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, किसकी वजह से होता है? इस एसोसिएशन एरिया की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा इसके बाद जो होता है, तो इंटेलिजेंस हो गया, उसके बाद मेमोरी, मेमोरी जो स्टोर होती है वो इस एसोसिएशन एरिया में ही होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, रीजनिंग, डिसीजन टेकिंग, जजमेंट, इन सब का जो रीजन है, जो एरिया है, वो कौन सा है? हमारा एसोसिएशन एरिया। देखो हर कोई तो एक जैसे जजमेंट नहीं लेता है। यदि एक प्रॉब्लम 10 बच्चों के सामने रखी जाए तो 10 बच्चे एक जैसा डिसीजन नहीं ले सकेंगे। तो जो डिसीजन जो ले रहा है दिमाग का हमारा वो पोर्शन जो डिसीजन ले रहा है, वो कौन सा है? हमारा ये एसोसिएशन एरिया, ठीक है। कुछ बच्चों को बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि ब्रोकास एरिया समझ में नहीं आया। तो ब्रोकास एरिया में क्या है स्टूडेंट्स? देखो थॉट का स्पीच में ट्रांसलेशन हमारे ब्रेन में होता है। हम जो सोचते हैं वो स्पीच में कन्वर्ट कहां से होगा? वो ब्रोकास एरिया से होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट आप 2 या 3 लैंग्वेज जानते हो, जैसे आपको मराठी अच्छी आती है, आपको हिंदी अच्छी आती है, आपको अंग्रेजी अच्छी आती है। अब कोई बात है वो आपको जो है मराठी में बोलना है, थॉट वो मराठी में एक्सप्रेस होके आएगा। यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हो तो वो इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट होके आएगा, ठीक है। यदि आप हिंदी में बोलना चाहते हैं तो वो हिंदी में आएगा। तो ये सब ब्रोकास एरिया से पॉसिबल है। दूसरा ब्रोकास एरिया क्या करेगा? एक तो उसने थॉट को स्पीच में ट्रांसलेट कर दिया, दूसरा कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लिप्स। जब हम बोलते हैं तो लिप्स में मूवमेंट होता है, और लिप्स में मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? ब्रोकास एरिया की वजह से, द टाइम ऑफ स्पीच। टंग में मूवमेंट, साउंड प्रोडक्शन के लिए वोकल कॉर्ड्स में मूवमेंट, इन सबके ऊपर जो कमांडिंग स्ट्रक्चर है वो ब्रोकास एरिया या मोटर स्पीच एरिया। इट बिकम क्लियर? तो आपने 4 एरिया देखे जो फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, प्री मोटर, मोटर, उसके बाद आपने क्या देखा? ब्रोकास एरिया, और आपने क्या देखा? एसोसिएशन एरिया, ठीक है। इट बिकम क्लियर? अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लोब पर। ये हमारा फ्रंटल लोब पूरा हो गया, अब हम आएंगे किस पे?
टेम्पोर पैरेटल लोब पे आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। पैरेटल लोब में क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट फंक्शनल एरिया ऑफ द पैरेटल लोब। Now we discuss about that functional area of parietal lobe. Parietal lobe में एक general sensory area होता है। पहला कौन सा area देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको? General sensory area. अब जनरल सेंसरी एरिया क्या करेगा देखिए, ये जनरल सेंसरी एरिया ये टच से रिलेटेड होता है। जैसे सपोर्ट एट कहीं हमको कहीं भी कुछ भी टच हुआ तो हमें फीलिंग हो जाती है उसकी, तो ये फीलिंग जो हो रही है तो टच से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? जनरल सेंसरी एरिया। कई बार पेन भी होता है हमको, पेन के ऊपर भी कंट्रोल कौन करता है? जनरल सेंसरी एरिया। नाइनटीन ट्वेल्व के समथिंग एक वाकया है इटली में। इटली में एक हमारा जो एक गैंगमैन काम कर रहा था रेल की पटरियों पर, तो एक आयरन की रोड उसके ब्रेन में चली गई और उसका जनरल सेंसरी एरिया डैमेज हो गया। डैमेज हो गया तो उसे उसका पेन वाला रीजन तो यही था ना, तो पेन वाला रीजन उसका डैमेज हो गया तो उसे पेन का परसेप्शन नहीं हुआ, बिल्कुल लेश मात्र उसको पेन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एरिया पेन से रिलेटेड है, ये डैमेज हो जाए तो पेन की फीलिंग नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये प्रेशर से रिलेटेड होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो ये हमारा जनरल सेंसरी एरिया जो इतने सारे फैक्टर से रिलेटेड होता है, जनरल सेंसरी एरिया क्लियर हो गया। दूसरा इस रीजन में देखने को मिलता है हमको वार्निक्स या सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया और सेंसरी स्पीच एरिया को वार्निक्स एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स वार्निक्स एरिया या फिर सेंसरी स्पीच एरिया। और मान लीजिए सपोर्टेड मुझे मराठी नहीं आती, मेरे सामने कोई मराठी बोल रहा है मैं उसे अंडरस्टैंड कर सकता हूं? नहीं। तो स्पीच एक्चुअली होती क्या है, लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ ये
ग्रुप ऑफ सिंबल्स होते हैं जिन्हें कि हम लर्न करते हैं, कल्चर हमें लर्न करवाता है। ठीक है, एक बार लर्न हो गए तो कोई क्या बोल रहा है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड ऑफ स्पीच और लैंग्वेज जो होता है वो इसी एरिया से होता है। अंडरस्टैंड ऑफ स्पीच और लैंग्वेज, अंडरस्टैंड ऑफ स्पीच और लैंग्वेज वो इसी की वजह से पॉसिबल है। अब मान लीजिए मेरे सामने, आपके सामने कोई कन्नड़ बोल रहा है, आपको नहीं आती, आप उसे समझ सकते हो क्या? नहीं समझ पाएंगे। तो लैंग्वेज एक तो आपने सीखी हुई है, कल्चर ने आपको सिखाया। मान लीजिए हमने इंग्लिश बुक्स में पढ़ पढ़ के हमने सीखा है, मराठी हमें हेरिटेज में मिली है, हमने वो सीखी है, तो कोई हमारे सामने ये वर्ड्स लैंग्वेज बोलेगा तो वो हमें समझ में आएगी। तो जो भी लैंग्वेज आ रही है, हम सुन रहे हैं, हमारे कान उसे लिसन कर रहे हैं, तो वो जो लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो किसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग होती है? इस वार्निक्स एरिया की वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको? तो हमने यहाँ पे अभी फिलहाल कितने एरिया देखे? दो एरिया देखिए, एक तो जनरल सेंसरी एरिया और दूसरा हमने क्या देखा? सेंसरी स्पीच एरिया। तो स्टूडेंट्स, दो एरिया हमने डिस्कस कर लिए। एक बात और याद रखिए, जनरल सेंसरी एरिया को हम, ये जो जनरल सेंसरी एरिया होता है ना, इस एरिया को हम सोमेस्थेटिक एरिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने पैरेटल लोब में दो एरिया महत्वपूर्ण है वो क्लियर हो गया। सोमेस्थेटिक एरिया, ये हमारा जनरल सेंसरी एरिया, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर से रिलेटेड, इनके परसेप्शन से रिलेटेड। दूसरा सेंसरी स्पीच एरिया, ये अंडरस्टैंड ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो गया, इट बिकम क्लियर। बाकी का जो डिस्कशन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको अब मैंने सिंपली इतना सिंप्लीफाई करके आपको समझाया तो आपको तो 100% समझ में आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।